ओम शांति। 29 नवंबर 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति बाप दादा मधुबन। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे अपनी बुद्धि व विचारों को इतना शुद्ध स्वच्छ बनाओ जो श्रीमत को यथार्थ रीति धारण कर बाप का नाम बाला कर सको। बच्चे अपनी बुद्धि व विचारों को इतना शुद्ध स्वच्छ बनाओ जो श्रीमत को यथार्थ रीति धारण कर बाप का नाम बाला कर सको। आज की मुरली का प्रश्न है, बच्चों की कौन सी अवस्था ही बाप का शो करेगी। बच्चों की कौन सी अवस्था ही बाप का शो करेगी। बाबा ने उत्तर दिया, जब बच्चों की निरंतर हर्षित मुख अचल अडोल स्थिर और मस्त अवस्था बने तब बाप का शो कर सकें। बाबा कहते, जब बच्चों की निरंतर हर्षित मुख अचल अडोल स्थिर और मस्त अवस्था बने तब बाप का शो कर सकें। ऐसी एकरस अवस्था वाले होशियार बच्चे ही यथार्थ रीति सबको बाप का परिचय दे सकते हैं। ऐसी एकरस अवस्था वाले होशियार बच्चे ही यथार्थ रीति सबको बाप का परिचय दे सकते हैं। आज की मुरली का गीत है, मरना तेरी गली में, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। मिट जाएगी हमारी दुनिया तेरी गली में, दुनिया तेरी गली में, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। डायमंड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1 पॉइंट, अपनी अवस्था बड़ी मस्त अचल अडोल बनानी है। अपनी अवस्था बड़ी मस्त अचल अडोल बनानी है। सदा हर्षित मुख रहना है, सदा हर्षित मुख रहना है। सेकंड पॉइंट, ज्ञान के शुद्ध घमंड अर्थात नशे में रहकर बाप का शो करना है। ज्ञान के शुद्ध घमंड अर्थात नशे में रहकर बाप का शो करना है। गीता के भगवान को सिद्ध कर बाप की सच्ची पहचान देनी है। गीता के भगवान को सिद्ध कर बाप की सच्ची पहचान देनी है। आज की मुरली का वरदान है, स्मृति स्वरूप बन विस्मृति वालों को स्मृति दिलाने वाले सच्चे सेवाधारी भव। स्मृति स्वरूप बन विस्मृति वालों को स्मृति दिलाने वाले
सच्चे सेवाधारी भव। विश्लेषण है, अपने स्मृति स्वरूप फीचर्स द्वारा औरों को स्मृति स्वरूप बनाना, यही सच्ची सेवा है। आपके फीचर्स औरों को स्मृति दिला दें कि मैं आत्मा हूँ। मस्तक में देखें ही चमकती हुई आत्मा व मणि को, जैसे सांप की मणि देख करके सांप की तरफ कोई ध्यान नहीं जाता, ऐसे अविनाशी चमकती हुई मणि को देख देवभान को भूल जाएं। बाबा कहते, जैसे सांप की मणि को देख करके सांप की तरफ कोई का ध्यान नहीं जाता, ऐसे अविनाशी चमकती हुई मणि को देख देवभान को भूल जाएं। अटेंशन स्वतः आत्मा की तरफ जाए। विस्मृति वालों को स्मृति आ जाए, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। आज की मुरली का स्लोगन है, अवगुण धारण करने वाली बुद्धि का नाश कर सतो प्रधान दिव्य बुद्धि धारण करो। अवगुण धारण करने वाली बुद्धि का नाश कर सतो प्रधान दिव्य बुद्धि धारण करो। ओम शांति।